Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अक्सर हमारी रोज की जिंदगी में कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। लेकिन जब भी ये घटनाएं हमारे साथ होती हैं तो इससे पहले प्रकृति हमें कुछ संकेत देती है, लेकिन अनजाने में हम इन्हें पहचान नहीं पाते। आज हम आपको इन्हीं कुछ संकेतों के बारे में बतानेंगे, जिन्हें जानकर आप समझ जाएंगे कि माँ लक्ष्मी की आप पर अपार कृपा बन गई है। बहुत जड़ आपको धन का लाभ होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप खबर को अंत तक देखें। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देती हैं। इस पोस्ट में हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमें भविष्य में धन लाभ होने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं। पहला, ये तो हम सभी जानते हैं कि पुराणों में उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन बताया गया है। ऐसे में उल्लू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि यदि आपको घर के आसपास यदि उल्लू दिखाई दे, इस बात का संकेत होता है कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई हैं और आपको जल्द ही धन का लाभ होने वाला है। यदि आपको सुबह उठते ही कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे तो ये काफ़ी शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि इस बात का प्रतीक होता है कि आपको कहीं से धन का लाभ होने वाला है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही शुभ माना गया है। हर तरह की पूजा पाठ में शंख एक विशेष स्थान होती है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को सुबह उठते ही शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो आप आने वाले को शुभ संकेत की तरफ इशारा होता है। ऐसा माना जाता है कि ये बात का प्रतीक है कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर काफ़ी प्रसन्न है। यदि किसी व्यक्ति को सपने में मुकुट दिखाई देता है तो एक शुभ संकेत होता है। ये इस बात का इशारा होता है कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी हुई है। यदि आप कहीं काम से जा रहे हैं और रास्ते में आपको कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई वस्तु लिए दिखाई दे तो ये भी भविष्य में होने वाली धन लाभ की तरफ इशारा करता है। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें।